तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, भेष बदल के आने दो। गाइस कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से लेके आ रहे हैं मोटू व्लॉग, और जा रहे हैं हम लॉन्ग राइड पे। और कहाँ जा रहे हैं, जाते जाते डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो हम यहाँ पे लाइटों पे रुके हुए हैं, पुलिस लाइन ये हमारा, इधर शहर शुरू हो जाता है बेसिकली। और लोग देख रहे हैं बात, 12 सेकंड पड़े हैं अभी, 4, 10, 9, 8, 7। तो रानी अपनी पूरी खुली मजे में करने वाली आज, ड्रिल पूरा, ड्रिला इन द हाउस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अगली सिटी में, अपनी सिटी छोड़ के। और गोची हो गया था, मैं पीछे से लाइटें वगैरह दिखाता आया, बट क्या हुआ कि ईयरफोन तो लगे ही नहीं। भाई बताओ क्या किया जाए, अभी लाइट क्रॉस कर ली जाए या रुक लिया जाए? रुक ही लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आधे सेकंड का लेट पहुँच जाएंगे, आधा सेकेंड कोई दिक्कत थोड़े ना। अपनी रानी फुल तैयार है गाइस, रात में पंप खुला मिल जाएगा, पंप कोई बंद ना हो। वैसे हाईवे पे तो चलो खुली रहेंगे, बट मेरे को ऐसे, मैं पंजाब क्रॉस करके हरियाणा में एंटर कर जाऊँ, तो मैं जा रहा हूँ आज यमुना नगर, हरियाणा में पड़ता है। जिसको नहीं पता भाई वो गूगल कर ले, वो बादशाह का गाना भी आया था यमुना नगर, पता नहीं कोई आंटी उंटी, हमें नहीं पता प्रॉपर, मैंने सुना नहीं, सुना था बट याद नहीं। तो कि मेरे को यहाँ से कम अगर मैं भगा के भी जाता तो पौने 3 घंटे मेरे कहीं नहीं वेस्ट होंगे। बट हाँ, रात है तो शायद मैं 2.5 घंटे में कवर कर सकता हूँ वो चीज़, बट मेरे को रात में ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, बिकॉज रोड तो सही है, यहाँ से थोड़ी सही रहेगी, फिर बीच में ख़राब भी आएगी तो उसी की दिक्कत है। बट अभी रोड खाली मिल रही है हमें, और ये तो चलो सिटी के अंदर है, बाद में मिलते हैं आगे जाके करते हैं बातचीत। और अभी हम ग्लव्स पहन ले, ठंड लग जाएगी नहीं तो। वैसे इतनी ठंड है नहीं, मैं बिना ग्लव्स के भी जा सकता हूँ, बट नहीं, ग्लव्स इज़ इम्पोर्टेंट। चलो मिलते हैं अगले सीन में। तो गाइस मैं अभी पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट रोड पे, बढ़िया है यहाँ पे घूमने के लिए, काफी बार आए हूँ हम यहाँ पे। अरे लाइट का वेट करना पड़ेगा अभी, मतलब बोलना पड़ता है मेरे को प्ले करने के लिए वीडियो। गाइस किस किस को अभी तक वीडियो अच्छी लगी है यार, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे यार। और एकदम से पूरा पेट्रोल डल करवाएंगे अभी फुल। चलो भाई आ जाओ कोई, तो दिखाना चाहूंगा अपनी रानी। रानी रानी आज नहा धो के पूरी, अरे ये गंदगी नहीं चाहिए हमको, साफ करो साफ करो, और पूरा रेडी है, पूरी साथ तो दे रही अभी तक, तो साथ ना छोड़ना कभी भी। भाई है कोई डालेगा या नहीं?
95 पॉइंट। अरे कुछ भी फर्क ही नहीं है, पैसों का फर्क है बस, अपना 20-25 पैसे का। चलो डलवा रहा हूँ अभी मैं, कुछ बुलाता हूँ किसी को। तो भाई अभी फुल करवा रहे हैं क्योंकि रास्ते में आगे पंप ज़्यादा नहीं आएंगे हाईवे पे, बट अभी शुक्र पेटीएम चल रहा है इनके पास, नहीं पिछला ही ब्लॉग वाला सीन हो जाता। तो भाई आ जा और आ जाएगा अभी, 900 का पूरा आ जाएगा। तो गाइस टैंक करवा लिया हमने फुल और पूरा मज़ा आने वाला है हमें, क्योंकि हम बिना रुके जाने वाले हैं। 80 मतलब किलोमीटर सीधी रोड होगी, 80 राउंड अबाउट बताया मैंने। अभी हम बज रहे हैं रात के 10:45 और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, बट हाँ जैसे जैसे हम थोड़ा ऊपर में आगे जाएंगे तो मिल जाएगी ठंड, बट अभी तक नॉर्मल है क्योंकि कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा पहने हुए, बहुत ज़्यादा भी नहीं मतलब नॉर्मल है कि हाँ भाई इधर उधर घूम सकता हूँ, इतना भी नहीं पहने कि हाँ भाई ठंड रुक जाए या क्रॉस हो जाए, इतना सेफ है। चलो आगे मिलता हूँ हाईवे पे, वैसे हाईवे शुरू ही होने वाला है, बट मैं हाईवे टर्न वगैरह करके वहीं पर मिलता हूँ आपको सीधा। बाय बाय। मैं अभी फाइनली बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका है, यहाँ पे टोल आ चुका है हरियाणा में जो एंट्री करते हैं जीरकपुर से, ये सीधी रोड जाती है सहारनपुर, सहारनपुर तक मतलब डबल रोड है, और यहाँ पे टोल पे पहुँच चुका हूँ मैं। अपने को तो वैसे ही टोल नहीं देना, बट अभी टोल वैसे ही बंद है तो फ्री है भाई, पूरा मज़ा ले रहे हैं भाई ज़िंदगी का जो टोल नहीं दे रहे अभी। बट फाइनली किसानों का हल हो चुका और रद्द हो चुका है कानून, तो मज़ा आया ड्राइव करके। तो गाइस मैं फाइनली हाईवे पे उतर चुका हूँ, और हाथ में मिट्टी मिट्टी बहुत है यहाँ पे ना, और भाई ऊपर ये सीधा रोड ऊपर अपना सहारनपुर जा रहा है, बट हमें सहारनपुर नहीं जाना है, हमें यमुनानगर जाना है, मैंने पहले भी बता दिया था। तो पहुँच ही गए हूँ लिटरली, 11:46 हो रहे हैं, लिटरली 10 मिनट और लगेंगे मेरे को, 10 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, फिर भी कम ही लगेंगे, बट फाइनली आई रीच, अनुमानित टाइम से पहले पहुंच गए हैं हम। 24 आवर सर्विस डिस्टेंस 9.7 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली मैं पूरा क्लोज हूँ अभी, भाई मिट्टी बहुत है यहाँ पे, साले आंखें भर गई मेरी तो बताओ, मेरे को ये साला मैं गली थी मुड़ा रात में, कहीं और ही पहुंच जाऊं मैं बताओ, ऐसे आया तो मेरे को तो लग रहा था ही गया हूँ वैसे मैं, यही है सही पकड़ो भाई। चलो गाइस अभी आज की राइड ख़त्म हो चुकी है और मिलते हैं कल की राइड में। बाय बाय।
गाइस, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज है डे टू और मैं घूम रहा हूँ अभी यमुनानगर की गलियों में। गली नहीं मतलब हाईवे है, गलियों में तो घूम है। अभी घूमने जा रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक पार्क है बहुत ही मशहूर, यहाँ पे यमुनानगर में सिटी सेंटर। यमुनानगर वाले बंदों को पता होगा थोड़ा। अभी टाइम हो रहा है 12:33 और यहाँ से आके फिर मैं वापसी करूँगा आज ही सेकंड डे ही, क्योंकि मेरे को कल सुबह मॉर्निंग काम पे भी निकलना है। तो देखते हैं अभी वहाँ पे जाके क्या करते हैं। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं की वीडियो, यार लाइक कर दो यार, दिन बन जाता है लाइक से। और कमेंट ज़रूर करो अगर अच्छी लगी वीडियो तो। तो गाइस यहाँ पे यार बहुत ही ज़्यादा वाला ट्रैफिक है, मतलब क्या बताएं, ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ पे साला, हर टाइम रश रश रश। अभी लाइटों पे रुके हुए थे, इतना टाइम लग गया। देख 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 देख, ये साले ऐसे लोग हैं यहाँ, किसी भी तरफ से आके घुसा देंगे भाई, सिर्फ लिटरली साले खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मार के सांस लेंगे। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं। अरे 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 अरे, पीछे बैठे हैं बच्चे तो लिटरली हिल जाते हैं इधर से उधर इधर से उधर। तो फाइनली हम पहुंच तो चुके हैं, अंदर जाके देखते हैं, अंदर दिखाता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। चलो मिलते हैं अंदर सीधा। गाइस अभी यहाँ पे कुछ बच्चे मिले मेरे को और ये कह रहे आपसे मिलना है, तो बढ़िया लगा इनसे मिलके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रथम है, मैं 7th क्लास में हूँ। और आपका? मेरा नाम नमन है, मैं 2nd क्लास में हूँ। ओके। और मेरा नाम मोजेसा, मैं 4th क्लास में हूँ। और आपका? मेरा नाम निशिका, मैं 2nd क्लास में हूँ। ओके। और मेरा नाम वासुदेव है, मैं 6th क्लास में हूँ। ओके। कैसा लगा बाइक को देख के? अच्छा लगा, बढ़िया थी बाइक। थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हम वापसी रवाना हो चुके हैं और टाइम देखो, टाइम हो रहा है 4:26। मैं रुक चुका रास्ते में क्योंकि पूरी बारिश हो रही है भाई, गीला हो गया था मैं, ये जैकेट मेरी पड़ी है। और हम खा रहे हैं लेस और साथ में पी जा रही है कोका कोला 2 चोला शोला। अभी बारिश पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और देखते हैं कब रुकती है, तभी निकल पाएंगे। आगे मिलते हैं फिर, बारिश रुकने पे ही बनाता हूँ लोग, और अभी तो नहीं बन पाएगा, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं घर पहुँचूँगा आज, बट पहुँच के रहेंगे, दिल्ले होके जाएंगे पर जाएंगे ज़रूर। चलो बाय बाय। तो गाइस मैं नीचे हाईवे से उतर चुका हूँ, बारिश हो रही थी जैसा कि मैं हमने आपको दिखाया मैंने, उसके 25 मिनट आधे घंटे बाद बारिश बंद होगी और सीधा ही मैं बिना कुछ बना के, क्योंकि रास्ते में कभी हो रही थी कभी बंद हो रही थी, कहीं जगह तो बिल्कुल सूखा पड़ा था। और अभी हो रहा है टाइम 6:10, मतलब 8 बजे से पहले होप है कि मैं घर पहुंच जाऊं, 7:30 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँ, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है कि इधर कोई बारिश नहीं है और सड़कें सूखी हैं, वहाँ पे सड़कें गिल्ली थी, तो हाईवे पे थोड़ा सा रिस्क भी रहता है कि बारिश की वजह से अपना गिल्ली थी सड़क और मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला था, तो आराम से मैं बिना कोई वीडियो वगैरह बनाते हुए और हम सीधा अभी मिलेंगे, मैं पंचकूला या उसके आस पंचकूला से पहले जो उसको दिखाया था पहले वहाँ मिलेंगे, या तो सीधा खरड़ वगैरह में मिलेंगे। चलो बाय बाय, आगे देखते रहे पूरी वीडियो। तो गाइस ये मैं जीरकपुर के थोड़ा सा पहले हूँ, यहाँ पे डेरा वसी का ये पुल है और पहुँच जाएंगे अभी, मतलब मेरे हिसाब से 1 घंटा तो और लग जाएगी। टाइम हो रहा है अभी 6:30, टाइम तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बट बारिश की वजह से जो मेरा आधा घंटा खराब हो गया ना,
हाँ ये पल्सर बोलते हैं। चलो इसके साथ खेलने में मज़ा आएगा। तो गाइस अभी रुके हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा वाला हैवी ट्रैफिक है। अभी 10 मिनट बाद चलता है फिर रुक जाता ट्रैफिक। अभी ऊपर की तरफ देखो बहुत बुरा ही ट्रैफिक, जाम से बुरा हाल है। हालांकि आधे किलोमीटर का ट्रैफिक से ज़्यादा ही है। तो गाइस मैं अभी खरड़ क्रॉस कर चुका हूँ और मेरी सिटी जो है वो रह चुकी है केवल 27 किलोमीटर। आवाज़ मेरे को नहीं पता सही आ रही कि नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ शायद मेरे को इसके बाद वॉइस ओवर ना करना पड़े यार। वॉइस ओवर कर सकते हैं बट मैं सोच रहा हूँ कि सही आनी चाहिए आवाज़। मैं थोड़ा लाउड भी बोल रहा हूँ और थोड़ी स्पीड भी कम कर ही ली है मैंने। आवाज़ सही आनी चाहिए, फटफड़ छड़छड़ नहीं आनी चाहिए। तो 27 किलोमीटर है बटैक से घर पहुँचते और लाइव स्ट्रीम करेंगे इसके बाद। और आज तो तारीख 5-6 जो भी संडे, आज कितने 5 है शायद, हाँ पता नहीं तारीख का नहीं पता, बट आज एडवेंचर बहुत हो गया। और एडवेंचर के चक्कर में हम आज भीग भी लिए और फिनिश इसके बाद घर के पास पहुंच के बाय बाय बोलता हूँ आपको। तो देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हमें मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम अपना पूरा करना है इस चैनल पे, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आपकी वजह से ही होगा जो होगा। तो जल्दी से जल्दी यार शेयर करो, देखो पूरी वीडियो, मज़ा आएगा। इसके वजह से ही हम गेन कर सकते हैं कुछ। और बस मिलते हैं आगे की सीन में, बाय बाय। तो गाइस मैं अभी अपने घर के पास, जो मेरे टोल प्लाजा पड़ता है यहाँ से 10-15 किलोमीटर ही होगा अब घर मेरा। तो बढ़िया यार आज की राइड रही, मज़ा आया। और अगर आपको भी मज़ा आया तो यार डू लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब वाला घोड़ा ज़रूर दबा देना जो भी इस चैनल पे नया आया है। अब मैं कंटेंट रेगुलर पोस्ट करने वाले हैं जल्दी ही, क्योंकि अभी सारा ध्यान एक तरफ है कि सब कुछ करना, अभी सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं भाई, शुक्रिया गाइस ब्लॉग देखने के लिए। तो अभी मैं बंद कर रहा हूँ यार, अभी सारा कुछ पैकअप करते हैं। चलो बाय बाय गाइस, मज़ा आया, बहुत एडवेंचर हो गया आज तो, और नाइट राइड भी हो गई हमारी, सब कुछ हो गया और भीग भी लिए, एडवेंचर भी हो गया। चलो बाय बाय।